नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना वीजा के किस तरह से देश विदेश में घूम सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग गरीब लोग हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम वीजा के लिए पैसा खर्च कर सकें या फिर दूसरे देशों में हम जा पाएं। देखिए मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक और एक तकनीक बताऊंगा कि जिसमें आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे जैसा कि आप उस जगह पर मौजूद हैं। देखिए आपको प्ले स्टोर से ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्लीज़, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा लेकिन मैं इस ऐप का आपको पहले फंक्शन बताता हूँ, आप इस ऐप को देखिए। आपसे यहाँ पर अगर GPS को अगर आपको ऑन करने के लिए बोला जाता है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। मैंने इसे नो कर दिया है। अब देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम देश विदेश में जाएँ, दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ। हम इंडिया में तो घूम सकते हैं लेकिन बाहर जाना मतलब हमारे लिए एक सपना ही होता है। तो इस वीडियो में और इस आप तकनीक के माध्यम से आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप उस जगह पर बिल्कुल हूबहू मौजूद हैं और उस जगह को आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस लिस्ट में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है माय फेमस प्लेसेस, ठीक है, ये तीसरे नंबर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करता हूँ। देखिए आप इसके फंक्शन देखिए। पहले मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ पहले प्ले स्टोर पे, और उसके बाद आपके लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ कर लाता हूँ ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें कम से कम हमारे से थोड़ा तो फ़ायदा हो, थोड़ा तो वो हमारा लुत्फ उठा पाएँ। तो देखिए हम अब आपको याद रहा है ताजमहल, तो हम ताजमहल तो हम इंडिया में चलिए कभी ना कभी चले ही जाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, ये अमेरिका में है लेकिन शायद ही हम वहाँ पर कभी जाएँ, और आपने सैटेलाइट में और फोटोज़ में तो देखा ही हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये लोड हो रहा है, ये हमें कहाँ से फ़ोटो या वीडियो की प्रोवाइड करते हैं, जो उन एरिया के आसपास जो भी CCTV कैमरा लगा होते हैं। जी हाँ, जो CCTV कैमरे उन एरिया के आसपास जो लगा होता है, डायरेक्ट उनसे ये फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कैप्चर की जाती है और उसके बाद ये डायरेक्ट हमारे पास तक पहुँचाई जाती है। अभी आप देखिए ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। देखिए आप ये व्यू देख सकते हैं जैसे कि हम बिल्कुल वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर घूमने चले गए। आप देखिए आप चाहें तो चारों तरफ इधर आसपास जा भी सकते हैं, और देखिए पूरी तरफ, देखिए मैं आपको समुद्र की तरफ भी दिखा देता हूँ। देखिए देखिए बिल्कुल क्लियर आपको बिल्कुल वही व्यू मिलेगा जैसे कि आप मान लीजिए वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए इतने पैसे हमारे पास होते नहीं है कि हम उस कंट्रीज़ में जाएँ, उन कंट्रीज़ में हम घूमें, इतने पैसे तो होते नहीं है। तो ये मैं एक छोटी सी तकनीक आपके लिए लेकर आया था, एक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से हम देश विदेश में घूम सकते हैं सिर्फ अपने घर पे बैठे। अब देखिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो आप नीचे ये एरो का निशान आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे आप पूरी आगे जो जितने भी आपको लॉन या गैलरी दिख रही है आप पूरी गैलरी में भी जा सकते हैं और पूरा आप घेर इसमें घूम सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी आगे जाइए। देखिए जो भी पूरा आपको रास्ता दिख रहा है आप पूरे रास्ते में टहल सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी एक ऐप है, बहुत ही अच्छी, और ये जो जितनी भी आपको ये व्यू नज़र आ रहा है, जो कैमरे की जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, ये जो वहाँ पे मौजूद CCTV कैमरे जो होते हैं उनसे कैप्चर करके ये डायरेक्ट हमारे तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने दिखाया, ये न्यूयॉर्क में हम घूमें, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कितनी सारी लोकेशन है, आईफिल टावर है, ताजमहल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम वैसे तो नहीं जा पाते और ना ही जा पाएंगे, लेकिन इस ऐप के थ्रू आप उन जगहों पर एक घूमने का जो अनुभव है वो ज़रूर महसूस कर पाएंगे। आप देखिए अपनी लोकेशन भी देख सकते हैं, आप अपने आसपास का मैप भी देख सकते हैं, अपना रूट भी आप फाइंड कर सकते हैं, और जो ट्रैफिक के जो कैमराज हैं वो लाइव आप देख सकते हैं जिन भी जगह पे, इसमें 50,000 लाइव कैमराज हैं मतलब पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि आप अगर अपने आसपास कहीं ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है इसमें ना भी मिले, तो उसके आसपास या जितना भी मौजूद होगा वो आपको बता दिया जाएगा जो लाइव वहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वंडर, मतलब जो वर्ल्ड के साथ हमारे अजूबे हैं, आप उनमें घूमना चाहते हैं तो आप उस पर भी यहाँ पर जा सकते हैं। ऐप ये ऐड खुल रही है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए सात हमारे वंडर हैं जो कि अब 8 कर दिए गए हैं, पहले ये 7 थे, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम गीगा का पिरामिड में इधर जाते, देखिए मैं भी इस ऐप के माध्यम से इन जगहों पर घूम रहा हूँ, आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इन जगहों पर लाइव घूम रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे यूज़ करते हुए। मैंने इसको हाल ही में इसको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल किया था और बहुत ही अच्छी मुझे ये ऐप लगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं आपको भी बताऊँ। देखिए बिल्कुल उसी तरह से आपको लगेगा जैसे कि आप गीगा के पिरामिड के आसपास यहाँ घूम रहे हैं या टहल रहे हैं। देखिए आगे पीछे भी आप हो सकते हैं, या आपको नीचे जो
स्क्रीन पे एरो नज़र आ रहे हैं, इनसे आप आगे पीछे भी हो सकते हैं और आसपास का देखिए लुक भी देख सकते हैं। आपने फोटो में तो देखा होगा सिर्फ आपको गीगा का पिरामिड ही सामने दिखाया गया होगा, उसके आसपास का कोई आपको पता नहीं चला होगा कैसा वहाँ पे ज़मीन है, क्या रोड है, कैसा आसपास का एरिया है। तो इस ऐप के थ्रू आप सारी चीज़ें जो हैं उनकी देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि आप जैसे वहीं पर मौजूद हैं। देखिए आप ये एरो पे क्लिक करेंगे, आगे पीछे होते जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप चाहें कि पिरामिड के ऊपर ही चढ़ सकें, कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आप चढ़ भी जाएं। तो दोस्तों देखिए ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है जो मैं प्ले स्टोर से आपके लिए ढूंढ के लेकर आया, ताकि आपको आसपास की हमारी दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसका एक थोड़ा सा अनुभव हो पाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।